यदि हमारा बिगड़ जाता है तो हमारे पूरे जीवन की मेहनत व्यर्थ चली जाती है। जैसे पूरे वर्ष कोई विद्यार्थी अध्ययन करे और जब परीक्षा सामने हो और वो उसमें जैसा पूछा गया है वो न बता पाए तो उसका जीवन भर का जो अध्ययन मनन है अभ्यास है वो व्यर्थ माना जाता है। ठीक इसी तरह हमने जीवन यदि ठीक ढंग से जिया है तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अंतिम क्षण भी हमारे समतापूर्वक व्यतीत हों और उसकी तैयारी हमें जीवन भर करनी चाहिए। हमें ये भय नहीं होना चाहिए कि इस देह को छोड़ने से हमारा कुछ बिगाड़ होगा। देह छूटती है क्योंकि हमने देह को धारण किया था, लेकिन यदि हम एक बार निर्ममत्व होकर के देह छोड़ेंगे तो बार बार हमें देह धारण नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब देह छूटने लगे तो देह से ममत्व नहीं करना और अपने उस देह के जितने भी संबंध हमने इस संसार में निर्मित किए हैं उनसे भी विरक्त हो जाना। अपनी देह की सुख सुविधा के लिए हमने जो भी बाह्य सामग्री इकट्ठी करी है वो तो हम अपने साथ ले भी नहीं जा पाएंगे, वो यहीं छूट जाएगी, तब उसके प्रति भी मौत को लेकर के क्यों जाए। जब जो चीज़ साथ में नहीं जाने वाली है तो उस के प्रति आसक्ति को लेकर के जाना ये तो ठीक नहीं है। ऐसा हम सदा विचार करते रहें तो ही आखिरी समय ये विचार दृढ़ता से हमारे काम में आ सकेगा। सूर्य उगता है और अस्त होता है, सनराइज और सनसेट, कहीं भी ये नहीं लिखा कि सन बर्थ और सन डेथ, है ना। सनराइज एंड सनसेट, वो कल फिर उगेगा। सूर्य का प्रकाश आज लुप्त हुआ है, हमारे यहाँ पर वो अन्यत्र कहीं अपना प्रकाश दे रहा है। ठीक ऐसे ही हमें अपने जीवन के बारे में भी जानना चाहिए कि यदि मृत्यु हुई है तो वो सिर्फ शरीर की हुई है, मेरी मृत्यु शरीर की मृत्यु से कोई संबंध नहीं रखती। मैं शाश्वत हूँ, मैं अन्यत्र कहीं जाकर के और फिर नई देह धारण करूं, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ अभ्यास नहीं किया है कि मुझे बार बार देह धारण न करनी पड़े। इसलिए दूसरी बार देह मुझे धारण तो करनी पड़ेगी, पर मैं निरंतर उस देह के प्रति अपने महत्व को घटाता जाऊं तो फिर एक दिन मेरे जीवन में ये भी आएगा कि मुझे वो देह नहीं मिले। इस तरह का जो अभ्यास जीवन भर करता है वो ही अपने जीवन के अंत में लिखा हुआ है कि किस तरह से और हम अपने जीवन के अंत में संलेखना या कि समाधि स्वीकार कर सकते हैं। उसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कई कारिकाएँ लिखी हैं। एक संलेखना का अलग से उन्होंने प्रकरण ही रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में लिखा है। हम आज देखें कि वो जीवन के अंत में ली जाने वाली संलेखना की प्रक्रिया क्या है। ये तो हमने जान लिया कि संलेखना कब लेनी चाहिए,
उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायां चनि प्रतिकारे धर्माय तनुमोचनम आहु संलेखनाय। संलेखना अपने धर्म की और रत्नत्रय की रक्षा के लिए ग्रहण की जाती है किन क्षणों में, जबकि कोई उपसर्ग आ गया हो जिसमें मरण निश्चित हो, दुर्भिक्ष पड़ गया हो जिसमें मरण निश्चित हो, बुढ़ापा जिसके बाद मरण निश्चित है बुढ़ापा आ गया हो, या ऐसा कोई रोग जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, अब उसका कोई इलाज अगर लास्ट स्टेज है तो संभव ही नहीं, शुरुआत की स्टेज में यदि डायग्नोस हो जाए मालूम पड़ जाए तो फिर तो थोड़ा बहुत क्योर हो सकता है, लेकिन ऐसा रोग जिसका प्रतिकार संभव नहीं, सब में प्रतिकार शब्द लगा लें, ऐसा उपसर्ग जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसा दुर्भिक्ष जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसा बुढ़ापा जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसा रोग जिसका प्रतिकार संभव नहीं, ऐसी स्थिति बन जाने पर फिर संलेखना ग्रहण की जाती है। आँखों की ज्योति कम हो गई, कानों से सुनना कम पड़ने लगा, शरीर शिथिल हो गया, भोजन किया नहीं जाता, भोजन बाहर फिकता है अंदर ग्रहण नहीं होता, ऐसी सारी स्थितियाँ अगर जीवन में निर्मित हो जाए, कर्मानंद जी हुए जो कि बाई बर्थ जैन नहीं थे, जैन धर्म का अध्ययन बहुत किया उन्होंने और सारे बातों से संतुष्ट थे, सिर्फ एक बात की कड़ी आलोचना करते थे कि जैनियों के यहाँ पर और बातें सब ठीक जान पड़ती हैं, लेकिन ये आखिरी समय अपने हाथ से मरने की प्रक्रिया नहीं समझ पाए, ऐसा कहते थे, और संलेखना के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी, हमेशा उसकी उसको क्रिटिसाइज ही करते थे कि ये संलेखना ठीक नहीं, इसमें तो अपने हाथ से मरण है, जबकि उसके बाद विनोबा ने उस प्रक्रिया को ठीक ठीक समझा और जैन नहीं होने के बावजूद भी अपने जीवन के अंत में भले ही विधिवत संलेखना ना ली हो लेकिन संलेखना की प्रक्रिया को जो जैन धर्म की है वो अपनाया और आचार्य महाराज के पास समाचार भेजा कि मेरे लिए जीवन के अंत में कोई संदेश, कोई आदेश, कोई उपदेश अवश्य दे। आचार्य शिव को मालूम पड़ा कि विनोबा अभी भी शहद ग्रहण करते हैं, जीवन भर शहद लेते रहे, आखिरी समय पर भी ले रहे हैं, तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद के साथ सिर्फ यही समाचार कहलवाया कि विनोबा को अब शहद नहीं लेना चाहिए, वैसे भी उन्हें नहीं लेना था लेकिन क्यों लेते रहे मैं नहीं जानता, पर अब जीवन के अंत में ना लें। जैसे ही विनोबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि मेरे पर ये कृपा पहले क्यों नहीं थी, मैं तो ये सोचता था कि ये खाने योग्य वस्तु है इसलिए मैं खाता रहा, मुझे तो आज आपने अच्छा किया, जीवन के अंत में मैं उसका भी त्याग करता हूँ। और अंत में उन्होंने ये पूछ लिया था एक दिन पहले कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कब है, और ठीक उसी दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के सुबह प्रत्युष की वेला में उन्होंने अपने संलेखना को पूर्ण करके प्राणों का देह का परित्याग किया। कर्मानंद जी की बात में करना, उन्होंने जब इस प्रक्रिया को क्रिटिसाइज किया पर उनके जीवन में वे हमेशा गीता का पाठ किए बिना पानी भी मुंह में नहीं लेते, उनको बहुमूत्र रोग हो, बार बार टॉयलेट जाना, ऐसी स्थिति में शुद्धि नहीं रह पाती थी तो बड़े विकट होते थे, और पाठ भी नहीं हो पाता था तो मुख में पानी बिना पाठ किए डालने का मन नहीं होता था, पर मजबूरी तब पड़े पड़े और उनके मन में विचार आया कि शायद मैं ही कहीं गलत था जैनियों के यहाँ पर, इसीलिए ये संलेखना की प्रक्रिया रखी है कि मरण से पहले ही सावधान हो जाओ, आज मेरी ये स्थिति हो गई कि मेरा धर्म भी छूट गया और मुझे ऐसी व्याधि हो गई, अगर मैं पहले से अपनी तैयारी कर लेता तो आज ये व्याधि गायब हो होती, और पड़े पड़े परिणाम इतने भीग गए कि मन में ये विचार आया कि यदि इस रोग से मुक्त हो गया तो जैनियों के अनुसार आचरण का पालन करके संलेखना लूंगा, और कर्म का संयोग ऐसा कि चार दिन के अंदर बहुमूत्र रोग ठीक हो गया, दीक्षा ली थी क्षुल्लक बन करके और फिर उसके बाद अपने जीवन में ऐसा उदाहरण आचार्य महाराज ने सुना। कर्मानंद भैया, संलेखना सिर्फ जैनियों की बपोती नहीं है, संलेखना जो भी
वास्तव में अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से जीता है और अंत में भी समतापूर्वक अपनी देह को छोड़ना चाहता है, अपने जीवन को जिसने जीवन भर अच्छे से जिया और अपने परलोक को भी जो सुधारने की प्रक्रिया अपनाना चाहता है, अपनी गति को सुधारना चाहता है आगे के लिए, उसे संलेखना अनिवार्य ही है। आचार्य भगवंतों ने इसकी एक प्रक्रिया दी है। अगर ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में ऐसा अवसर आ जाए तो हमें चारों प्रकार के आहार का और समस्त परिग्रह का त्याग करके और समतापूर्वक देह छोड़नी चाहिए, और यदि ऐसी स्थिति नहीं है और हमारे पास समय है तो हम फिर शांतिपूर्वक किसी गुरु के चरणों में जाकर संलेखना ग्रहण करें। जो संलेखना ग्रहण करने की तैयारी करता है उसे क्षपक कहते हैं और जो संलेखना करवाते हैं उन्हें निर्यापक कहते हैं। ये दो टेक्निकल वर्ड हैं, क्षपक और निर्यापक। एक क्षपक की संलेखना कम से कम दो निर्यापक, अधिकतम 48 निर्यापकों के द्वारा होती है। ये आगम है, इस तरह की प्रक्रिया है। और क्षपक को क्या करना पड़ेगा, एक चीज और, कोई अगर साधु है तो उन्हें भी अपने संग को छोड़कर के अन्य संघ में जाकर ही संलेखना ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी का उपदेश है। वे अपने ही संघ में संलेखना ना करें, इससे अच्छा घर चले जाए, ऐसा लिखा है कड़े शब्दों में। क्यों? क्योंकि अपने संघ में ही संलेखना करेंगे तो राग उत्पन्न होने की संभावना अधिक है, अपेक्षाएं ज़्यादा रहेंगी कि सब मेरे से परिचित हैं, मेरे संघ के हैं, मेरी अच्छी सेवा होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षाएं और राग भाव अधिक रहेगा। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब संलेखना ग्रहण की तो आसपास कोई भी नहीं था जिसके पास वे जा सकें, तब उन्होंने अपने ही शिष्य आचार्य महाराज के चरणों में अपनी संलेखना करवाने का निवेदन किया। अन्यथा उन्होंने स्वयं ही कहा कि मुझे किसी न किसी अन्य निर्यापक आचार्य के चरणों में पहुंचना चाहिए। वास्तविक प्रक्रिया तो यह है, जिससे कि अपेक्षाएं और राग और कषायें इन सब को हम आसानी से मंद कर सकें, ये प्रक्रिया है। अब कैसे संलेखना ली जाएगी? जब भी संलेखना का मन हो, जीवन का अंत जान करके, तो पहले किसके चरणों में संलेखना लेनी उसकी खोज कर लेना चाहिए पहले से, और उसके चरणों में जाकर के आचार्य भगवंतों ने लिखा है औत्मार्थिक प्रतिक्रमण किया है। एक दैवेशिक प्रतिक्रमण होता है जो हम शाम को करते हैं, एक रात्रिक प्रतिक्रमण होता है जो सुबह सो के उठते तब करते हैं, एक आहार के बाद लौट करके 12:15 बजे ईरिया पर प्रतिक्रमण होता है, एक 15 दिन में होता है चतुर्दशी के दिन, जैसे आज चतुर्दशी है, पाक्षिक प्रतिक्रमण, एक 4 महीने पूरे होने पर होता है वो कहलाता है चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, और एक होता है जब दीपावली आएगी वार्षिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। ये सारे 6 प्रतिक्रमण तो जीवन भर करना पड़ेगा, लेकिन जीवन के अंत में 7वां प्रतिक्रमण औत्मार्थिक प्रतिक्रमण किया जाता है, जिसमें जीवन भर के दोषों का निवेदन करना होता है और उनके लिए प्रायश्चित ग्रहण करना गुरु के समीप, ये सबसे पहला काम। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपिपा शांत्वा शमये प्रियैर्वचने आलोच सर्वमेन कृतकारित मनुमतम च एन निर्व्याजेन आरोपियेन महाव्रत मामरण स्थायी निश्शेष। ये दो श्लोक आचार्य सुमंत भद्र स्वामी ने संलेखना लेने वाले के लिए प्रक्रिया बताने के लिए लिखे हुए। स्नेहम वैरम संगम चापहाय शुद्ध मन, अत्यंत निर्मल चित्त होकर सारे स्नेह संबंधों को, और इतना ही नहीं सारे बैर भाव को और समस्त संग अर्थात परिग्रह को छोड़कर अत्यंत निर्मल बन, क्योंकि ये चीज़ें इनके कांटेक्ट में रहने से हमारी निर्मलता भंग होती है, मलिनता आती है। इसलिए स्नेहम वैरम संगम चाप हाय शुद्ध मन, अत्यंत शुद्ध होकर, और इतने ही नहीं स्वजनम परिजनम अपि च, अपने संबंधी और अन्य जनों सबके प्रति क्षमये, इतना ही नहीं शांत्वा प्रियैर्वचनैः, अत्यंत प्रिय वचनों के द्वारा
उन्हें क्षमा करना सबसे पहले, फिर उनसे क्षमा मांगना। हम दूसरे से क्षमा तो मांगते हैं पर उसे क्षमा नहीं करते, तब आधा अधूरा मामला होता है। इसलिए सबसे पहले सामने वाले को क्षमा करना, उसके प्रति क्षमा भाव धारण करना, तब जाकर प्रिय वचनों के द्वारा उससे निवेदन करना कि मुझे भी क्षमा करें, मेरे प्रति आप अपना मन, क्योंकि मैंने अपना मन आपके प्रति अब अच्छा कर लिया, तो आप भी अपना मन हमारे प्रति अच्छा कर लें, क्योंकि जीवन में अब विदा की वेला है। अब तो कहते हैं कि मरण के साथ क्या वैर, क्या शत्रुता रखना, इसलिए अब मेरे प्रति अपना मन खराब ना रखें, आप मन को अच्छा कर लें। यह प्रक्रिया करते हैं और फिर आलोच सर्वमेनम, और जीवन भर जितने भी दोष किए हैं उन सब की शुद्ध मन से गुरु के समूह आलोचना करना। जिंदगी भर दूसरे की आलोचना करते रहे हो सकता है, तब बहुत मुश्किल है कि अपनी आलोचना अपने हाथ से करने का मन हो। हाँ, जो दूसरे के कामों की आलोचना करता रहता है वो अपनी आलोचना कभी नहीं कर सकता। आसमंतात लोचनम उद्घाटयति इति आलोचना, जिससे हमारी आँख खुल जावे। वास्तव में आलोचना वो है, हम चाहते हैं कि दूसरे की आँख खुल जावे, दूसरे को आईना जिंदगी भर दिखाते रहे। अब कह रहे हैं कि आईने में अपना चेहरा देखो, कहाँ कहाँ कालिख लगी है पहुँचो, कहाँ कहाँ और लगने की गुंजाइश है उससे बचो। मन वचन काय तीनों के द्वारा अपने किए गए दोषों के निराकरण की प्रक्रिया करो। जब शुद्ध मन हो जावे तब फिर आरोप ये सर्वमेन महाव्रतम, और फिर समस्त अहिंसा सत्य अचौरी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांच महाव्रतों को धारण करो। यह प्रक्रिया संलेखना से पूर्व की है। जो व्यक्ति संलेखना लेना चाहे उसे स्वयं अपनी इतनी तैयारी, जीवन भर तो नहीं ले पाए हो सकता महाव्रत, लेकिन अंत में महाव्रत लेने की ऐसी भावना भानी चाहिए। एक दिन भले ही मैं महाव्रत के साथ जीऊं, लेकिन मेरे जीवन में वो अवसर भी आवे जबकि मैं महाव्रतों के साथ फिर अपने जीवन में के अंत को प्राप्त कर सकूं। इस तरह की प्रक्रिया आचार्य भगवंतों ने लिखी है। इसके बाद फिर कहते हैं कि जो मोटा मोटा आहार है, खाद्य सामग्री है, उसको छोड़ो, क्योंकि उसके द्वारा शरीर में मल का संचय ज़्यादा होता है। शरीर को रिफाइन करना है और अपने चित्त को भी रिफाइन करना है, दोनों का को रिफाइन करने के बाद ही हम ठीक ढंग से शरीर को छोड़ पाएंगे। कितनी साइंटिफिक और कितनी लॉजिकल प्रक्रिया रखी है, मन को भी निर्मल बना के जा रहे हैं, और इतना ही नहीं शरीर में भी कोई गंदगी संचित ना हो, इसका उपाय ताकि शरीर निरोग रहे। मरते समय अगर निरोग रहेगा तो आकुलता नहीं हो, अन्यथा ये शरीर आकुलता में कारण बन सकता है, इसलिए उसे भी रिफाइन कर रहे हैं। स्थूल आहार छोड़ दिया, मात्र दूध इत्यादि रखा, उसके बाद दूध भी छोड़ करके छाछ ग्रहण करी, छाछ के बाद फिर पानी, और पानी के बाद पंच नमस्कार मनाई। अब पंच परमेष्ठी में अपना ध्यान लगाएं। आयु शेष रहने पर अगर कोई व्यक्ति पानी छोड़ भी देवे, साइंस का कहना है कि 90 दिन तक आसानी से जीवित रह सकता पानी का त्याग करने के बाद भी, लेकिन हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए मरने की, और न जीने की आकांक्षा होनी चाहिए। ये कंडीशन निराकुल भाव से पड़ा रहे तो 90 दिन तक आयु शेष होने पर, और अगर आयु शेष नहीं है तो आप खाते पीते भी और मरण को प्राप्त हो सकते। हाँ, अधिकांश लोग खाते ही खाते मर जाते, दवाई खाते और सलाइन ड्रिप लगाते लगाते ही निकल जाते प्राण। और आज की प्रक्रिया यही है। आज जो है, अगर बेटा इतनी सेवा माता पिता की ना कहे तो चार लोग उलाहना देंगे, जबकि सच्ची सेवा ये है माता पिता की कि उनको धर्म ध्यान में आखिरी समय लगाना, उनके परिणाम संभलवा करके उन्हें संलेखना की तैयारी करवाना। सुखो पड़े उस पचड़े में, जाओ सो अपने हॉस्पिटलाइज कर दो, सुबह शाम फोन से मोबाइल पे बात कर लेंगे, कैसी है तबीयत, सब देख रहे हैं, हाँ ठीक है, ड्रिप दे दी, इंजेक्शन दे दिया, कब तक मर है बस जावन नहीं पूछा, इंतजार रोज करते। हाँ, पूछते तो कोई नहीं पूछता कब तक मरेंगे, लेकिन अभी कैसा है, अभी कोई चांसेस,
नहीं अभी कोई चांसेस नहीं, ठीक होने के नहीं जाने के अभी कोई चांसेस नहीं। ये क्या प्रक्रिया है? इस तरह तो हमें अपने जीवन को भी हमने शायद ठीक से नहीं जिया और आखिरी समय भी हम अपने हाथ से बिगाड़ रहे हैं। कोई नहीं बिगाड़ रहा हमारा जीवन, अपने हाथ से हम अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। वास्तव में प्रक्रिया यह होनी चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया को हम बिना समझे और कैसे जीवन में ला सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि अपन इस चीज़ को समझें। कोई बात नहीं, अपन अभी तक जो करते आए हैं वो ठीक नहीं था, अब हम अपने जीवन को इस पर हमारा जीवन वास्तव में अच्छा बन सकेगा। हमें इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि कौन करता है आज के समय में ऐसा, कोई तो नहीं कर पाता, सब तो फेल हो जाते हैं, आप इतनी कठिन कठिन बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक युवक नाव में बैठा हुआ रोज इस पार से उस पार जाता था। एक दिन उसका बहुत पुराना मित्र नाव में आकर के बैठा और उसने कहा कि सुनो, पहले तो तुम्हारे पिता भी नाव में बैठा करते थे, अधिकांश समय तो वे ही चलाते थे, अब तो देखता हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आ गई है, पिताजी नहीं आते हो? तो उसने कहा कि पिताजी तो रहे नहीं। अरे कब नहीं रहे, मुझे पता ही नहीं लगा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, नाव चलाते समय एक बार तूफान में उनकी नाव डूब गई और उसी में उनका मरण। अच्छा, तब भी तुम नाव चलाते हो? उसने कहा हमारा काम। माँ का क्या हुआ? माँ के साथ भी यही हुआ, मेरे पिता के बाद उन्होंने नाव चलाना शुरू की, बेबी डूब गए। और तुम्हारी एक बड़ी बहन भी थी, बड़ी बहन भी इसी नाव चलाते चलाते डूब गई। अरे इतने तीन लोग तुम्हारे परिवार के इस नाव को चलाते चलाते और डूब गए, फिर भी तुम इसी नाव को इस पार से उस पार ले जाते हो? उसने कहा जो नाव नहीं चलाते उन्हें भी मरना पड़ता है, ये ध्यान रखना। मेरे पिता नाव चलाते मर गए इसलिए मैं नाव चलाना छोड़ दूं, मेरी माँ नाव चलाते मर गई इसलिए मैं नाव चलाना छोड़ दूं, या मेरी बहन मर गई इसलिए मैं नाव चलाना छोड़ दूं, नहीं, जो लोग नाव नहीं चलाते वे भी मरते हैं। मुझे मालूम है कि चाहे नाव में बैठें, समुद्र में उस पार से उस पार जाएं या ना जाएं, एक दिन मरण निश्चित है, इसलिए मैं इतनी बड़ी रिस्क लेकर के भी अपने जीवन में अपना जीवन जीता हूँ और अपनी उस प्रक्रिया को नहीं छोड़ता। क्या हम इस छोटी सी घटना से कोई मैसेज लेना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि कोई भी ठीक ढंग से मरण नहीं कर पा रहा है, तो इसके मायने क्या है कि यहाँ कोई भी ठीक ढंग से मरण नहीं कर सकता, संलेखना नहीं ले सकता, सिर्फ मुनि महाराज ही संलेखना ले सकते हैं, ऐसा निर्णय ले लें क्या? नहीं, आज भी कोई भी व्यक्ति चाहे जीवन के अंत में इस तरह से इस प्रक्रिया को अपना करके और अपने अंत समय को भी सुधार सकता है। जीवन भर तो हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, जानकारी में जैसा हमारी है वैसा हमने किया है, लेकिन अंत में ऐसा ना हो कि हम गाफिल हो जाएं या घबराहट में अपने प्राण छोड़ दें। मरने से पहले मरने का भय तो छोड़ ही देना चाहिए, मरना तो अनिवार्य है, लेकिन हम लोग मरने के भय से इतने ग्रसित होते हैं कि मरण बाद में आता है, हम पहले ही प्राण छोड़ते हैं। एक जगह पढ़ता था, उसमें लिखा कि अधिकांश लोग अपनी किसी शरीर की व्याधि से या अन्य किसी कारण से नहीं मरते हैं, वे तो मरण के भय से मरण आने से पहले ही अपने प्राण छोड़ देते हैं। अधिकांश लोगों के साथ कैंसर वाले लोगों को पैलिएटिव केयर एक सेंटर भोपाल में डेवलप किया गया सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें समझाया जाए कि मरण निश्चित है और ईश्वर ने तो तुम्हारे लिए, अब कैसे समझाएं उनको, तो ऐसे ही कहना पड़ता, हालांकि ईश्वर इस तरह की बातों में कोई इंटरफियर नहीं करता, हाँ वो अपने आप में मस्त वहाँ बैठा रहता, वो हमारा हिसाब किताब नहीं बनाता, उसको फुर्सत नहीं होती, लेकिन कहने में यही आता है कि देखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए और कितनी बड़ी फैसिलिटी दी है, तुम्हें इंडिकेशन दे दिया है कि अब तुम्हारा मरण आने वाला है। मैं तो सोचता हूँ कि कैंसर हो जाना एक वार्निंग है जीवन को संभालने की, रोध होकर के जीवन व्यतीत करने की नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है
क्योंकि उसका इलाज नहीं है। जिन्होंने भी इलाज किया है वे भी कहते हैं कि 2-4-10 साल जी सकते हैं, बाकी नहीं जी सकते, इससे ज़्यादा नहीं। जब ये तय हो गया है कि मेरा मरण निश्चित है, तब मैं अपनी लाइफ स्टाइल क्यों ना चेंज कर लूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरण नहीं है। एक श्वेतांबर भाई का उदाहरण है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है, और दूसरा गीता बहन जो कि विनोबा के आश्रम में थी। ये दो उदाहरण हैं कैंसर के, जिसमें कि लास्ट स्टेज, और एक तो मैंने बैंकॉक का नहीं, अमेरिका का एक उदाहरण मैंने जब संगोष्ठी थी उस समय आपको सुनाई था कि उन्होंने किस तरह से प्रार्थना से 10 प्रेयर ही ऐसा करके डॉक्टर लारी डोसी ने, और जो कि वहाँ पर उसमें अपने पेशेंट को देख रहे थे कैंसर पेशेंट को, और कैसे उसने प्रार्थना से अपना कैंसर ठीक किया था। ऐसे ही दो और हैं इस तरह की स्थितियाँ, जो कि यहीं पर 74 और 73-74 के लगभग की घटना है कि कैंसर की लास्ट स्टेज में जब डॉक्टर्स ने कहा था कि अब जीवन तुम्हारा समाप्त होने को है, अगर तुम्हें ईश्वर को याद करना हो तो कर सकते, तब ईश्वर को याद न करके, और उन्होंने मालूम क्या करा था? वो ईश्वर को तो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ, अब मुझे इतना और करना चाहिए कि मेरा जीवन का अंत आ गया है तो खम्मामी सब जीवाणु सभी जीवा खंतु में मेति में सब उदेशु वैरम मध्यम न के नभु। बस ये श्लोक दोहराते थे दिन रात, और पंच नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र, ये दो चीज़ें रखी थी उन्होंने। और आप आश्चर्य करेंगे कि वे उसके बाद 15 साल तक जिए, लेकिन उन्होंने एक भी दिन इस प्रक्रिया को नहीं छोड़ा, जबकि कल और परसों जी जाएं ऐसा निश्चित नहीं था डॉक्टर्स की तरफ से, लेकिन वे रोज रोज इस बात का इंतजार करते थे कि हो सकता है कि कल मरना पड़े, इसलिए मैं पूरा दिन सब जीवों से क्षमा मांगने में बिताऊं और पंच परमेश्वरी का स्मरण करने में बिताऊं। और इस तरह वे ठीक हो गए और 15 साल तक जिए। गीता बहन विनोबा के आश्रम में जब मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज में है, क्योंकि शुरू में तो डायग्नोस बहुत मुश्किल से होता है, जब स्टेज पार हो जाती तब समझ में आता है, अब ज़रूर बहुत ऐसे साधन आ गए हैं कि डायग्नोस होने लगे। मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति हम लोगों के साथ बननी ही नहीं चाहिए। अगर बनती है तब हमें क्या करना? लोग आकर पूछते हैं कि जीवन भर व्रत नियम पालन करे, अब उनको जो है ऐसी स्थिति आ गई, बीमार हैं, कोमा में चले गए हैं, अब हम का उनको संदेखना दिला दें, उसका कैसे करें? महाराज आप बताओ, अपने वृद्ध जनों को और ऐसी स्थिति निर्मित होने पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सीख लेना चाहिए और उन्हें भी इस बात के लिए तैयारी करवा देना चाहिए। उन्होंने मालूम क्या किया था उन गीता बहन ने, जो कि 60-65 वर्ष की हो गई थी कैंसर डायग्नोज होने के बाद, उन्होंने कहा कि अब मैं सब छोड़ती हूँ, अपने हाथ से नीम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई पत्तियों की, और बस उबला हुआ पानी लेंगे और पत्तियों वाली हरी सब्जी खाएंगे और बाकी जीवन में सब चीज़ों का त्याग। बे उबला पानी पीती थी और थोड़ी बहुत उबली हुई जो पत्तियां हैं वो खाया करती थी, और वे भी अपने कैंसर की स्थिति में बिना किसी कोबाल्ट रेस के ट्रीटमेंट के, और भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने, और बिना ट्रीटमेंट के 12-15 साल तक जी और आखिरी में प्रसन्नतापूर्वक अपनी देह छोड़ी। ये इतनी लंबी प्रक्रिया संलेखना की हो सकती है, सावधानी पूर्वक अपने जीवन को अंत समय में जीना, जिससे कि धर्म हमारा सुरक्षित रह सके, हमारे परिणाम न बिगड़ सकें। मैं आपको इसलिए ये उदाहरण सुना रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति हम सबके आसपास देखने में आती है, हम सबके जीवन में भी आ सकती है, ये उदाहरण हमारे दिमाग में रहें ताकि काम आ सके। अब जो मुनि महाराज जिन्होंने संलेखना ली, या क्षुल्लक महाराज, उनके कुछ थोड़े से उदाहरण, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत प्रैक्टिकल है, इसको तो इन उदाहरणों से ही समझा जा सकता, बाकी तो मैंने बता ही दिया कि जीवन के अंत में आसक्ति छोड़ना शरीर से भी, और कषायों को मंद करना, और आहार की प्रक्रिया को, आहार की सामग्री को कम कर देना। 12 बरस तक जो इस बात की साधना करते हैं उसमें सबसे पहले लिखा है कि शुरू के 4 वर्षों में शरीर को सहिष्णु बनाना, सहनशील बनाना, इसके लिए कायक्लेश नाम का तप शुरू के 4 वर्षों में करना। 12 वर्ष की संलेखना लेने वाला कैसे करेगा? जैसे कि मैंने अपना एक रफ कैलकुलेशन किया है कि मेरी 72 एज है, तो मेरा काम है कि मैं 60 के पहले और अलर्ट हो जाऊँ। हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है।
ये कोई बहुत कठिन कैलकुलेशंस नहीं है, इतना साइंस आज भी है, ज्योतिष को भी लोगों ने साइंस मान लिया, उसमें अच्छे परफेक्ट कैलकुलेशंस हैं, उनसे हम अपने एज को कम से कम एक रफ अप्रॉक्सीमेट आइडिया कर सकते हैं। और 12 बरस में शुरू के 4 वर्षों में शरीर की सहन शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य क्लेश तप करें, हाँ घंटों घंटों एक आसन में बैठना, उठना ही नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर स्वाध्याय भी करना है तो नियम ले लो, 6 घड़ी 2.25 घंटे एक ही स्थान पर बैठूंगा, स्वाध्याय करूंगा, जाप देऊंगा, उठूंगा नहीं वहां से। ये आसन की साधना, क्यों बाद में जीवन के एक ही आसन से लेटे पड़े रहना पड़ेगा, हाँ फिर आकुलता होगी, उठूं कोई उठा दो मेरे लिए, बैठे लेटे लेटे इतना टाइम हो गया, टिका दो थोड़ा पीछे, गद्दी लगा दो। ये आराम तलवी ये शरीर को जितनी सिखाओगे उतनी सीख लेगा वो, और अगर इसके साथ हिसाब के साथ ठीक रखोगे तो फिर ये उतनी आराम तलवी नहीं मांगता, जैसे पड़े रहेगा वैसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए इसको कष्ट सहिष्णु बनाना 4 वर्ष तक, फिर उसके बाद इसको जीतना, दो ही चीज़ें जीतना जरूरी है, इसको जीत लिया, स्पर्श जीत लिया और ये जिह्वा जीत ली, तो 4 वर्ष तक रस परित्याग विभिन्न प्रकार से, 8 वर्ष तो ऐसे निकल गए, फिर अगले 2 वर्षों में आचाम्ल या निर्विकृति, छाछ इत्यादि या कि मार जो कि अपन चावल बनाते हैं तब उस समय निकलता है वो, उसमें थोड़ा बहुत चावल भी है और मार वो अकेला पी करके 2 वर्ष निकाल दिए, पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम सिस्टम भीतर का, और निराकुल अवस्था भी निर्विकृति, क्योंकि रस जो है विभिन्न हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे मन को विकृत भी करते हैं, हाँ इस निर्विकृति इसलिए उसका नाम रखा हुआ है, छाछ को निर्विकृति कहा। और अब 10 वर्ष हो गए, 1 वर्ष में अब जो है मात्र चावल इत्यादि तो कुछ भी नहीं डालेंगे उसमें, मार है उसको भी बहुत पतला करके, और या फिर उस मार के साथ कोई भी एक आइटम जिसको अपन बोलेंगे या तो आम की एक कली या कि आंवले की कोई भी एक उसमें डाल करके, ताकि अब वो थोड़ा सा कसायला लगेगा, अभी तो आराम से भा जाता था, अब वो थोड़ा कसायला, अच्छा कोई चीज़ अपने मनपसंद की हो तो ज़्यादा खा सकते हैं, और मनपसंद की नहीं है अब तो जो है बस शरीर में डालना है, जिह्वा की लोलुपता अब नहीं रही, अब शरीर चलाने के लिए थोड़ा एक कटोरी देना है। वर्णी जी ने अपनी संलेखना अपने हाथ से ले ली थी, कोई नहीं था इसी में गणेश प्रसाद वर्णी ने, 8 दिन के बाद मालूम पड़ा था समय सार जी का ऐसा अध्ययन करते थे कि आज क्या करता होगा, कंठस्थ थी उनको अमृतचंद्र स्वामी की टीका, जिसको लगाने में हमको भी आज बहुत मुश्किल होती, संस्कृत से सीधी सीधी हिंदी करना, हिंदी देखना पड़ती, उनको कंठस्थ थी संस्कृत में, और उनने जीवन के अंत में उस समय सार का वास्तव में उपयोग किया है कि देह अलग है और आत्मा अलग है। 8 दिन तक मालूम नहीं पड़ने दिया कि संलेखना ग्रहण कर ली, 8वें दिन समय सार जी के भीतर कवर के और एक ऐसा कागज उत्ता उसमें लिखा हुआ मिला, क्या लिखा था, इस शरीर ने अब मेरा साथ देना छोड़ दिया है सो मैंने भी अब इसका साथ छोड़ दिया, हाँ अब ये मेरे धर्म ध्यान में बाधा बनने लगा इसलिए मैंने अब टाइट कर दिया, इस तन को मैंने अब वेतन देना कम कर दिया, आज इतने एक कटोरी दाल एक फलका, फिर धीरे धीरे करके आधा कटोरी और आधा फलका, 8वें दिन जाकर के मात्र एक कटोरी वो आधे कटोरी दाल लेके आए थे, तब मालूम पड़ा कि 8वें दिन का इसमें लिखा है कि 8वें दिन ये, इतनी सजगता अपने हाथ से खुद लिख करके रख लिया है कि इतना इतना दे रहा हूँ, वास्तव में संलेखना कोई और तो करवाने में निमित्त बन सकता है, करनी तो स्वयं ही पड़ती, तैयारी जिसकी होगी वो ही कर सके। इतने सजगता पूर्वक आखिरी के 11वें वर्ष में थोड़ा बहुत स्वल्प मात्रा में ग्रहण कर लिया, और फिर उसके बाद अब बचा 1 वर्ष सिर्फ, उसमें 6 महीने मध्यम प्रकार के, अब तपस्या खूब कर ली, अब शरीर के साथ में जागृति नहीं करना, हाँ अभी तो अपन ने जाति तो पहले भी नहीं की उसको, लेकिन सहनशील बना दिया, कष्ट सहिष्णु बना दिया, अब जो है आखिरी के 6 महीने में मध्यम प्रकार के तप और परिणाम निर्मल, और अंत के 6 महीने में फिर से उत्कृष्ट तप, मतलब एक आहार एक उपवास,
दो उपवास एक हाथ, तीन उपवास एक हाथ, चार उपवास एक हाथ, बस आहार में भी क्या पानी, तीन तीन चार चार दिन के गैप से पानी लेना शुरू कर दिया। बस इस तरह से अंत के 6 महीने और आसानी से व्यतीत करना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। इस तरह की संलेखना तो अभी पिछले दिनों हुई, मेरे देखने में तो नहीं आई, पर जो 20, 25 और 40 दिन की संलेखनाएँ हुई वो ज़रूर देखने में आई। जिनेंद्र वर्णी की संलेखना तीसरी में हुई 22-23 मई 1983, और उसके पहले जो 81 और 82 में संलेखनाएँ हुई उनमें से दो संलेखनाओं के बारे में कहूँ। संलेखना में परीक्षा भी बहुत होती आखिरी समय पर, सावधानी है यानी निर्यापक आचार्य इस बात की परीक्षा भी करते हैं, और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस सब की तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो वर्णी जी की संलेखना तो मैंने आपको पहले भी कभी कहा था, जिनेंद्र वर्णी ने किस तरह से और इतने निर्बल शरीर होने के बावजूद भी बहुत शांति से जीवन के अंत में संलेखना करी, और उनके साथ तो ऐसा उनका पुण्य का उदय कि हम लोग उनको आहार के बाद और ईश्वरी के मंदिर के नीचे तलघर में ले जाया करते थे। गर्मी के बहुत दिन थे, मई का महीना, तो नीचे थोड़ी ठंडक रहेगी, वहाँ ले जाते थे। तो आहार के बाद हम लोगों ने आकर और उनको स्ट्रेचर पर और नीचे ले जा रहे थे, एक झोली जैसी स्ट्रेचर कह दिया मैंने ताकि जल्दी समझ में आ जाए, बाकी तो नहीं तो आप कहें कि स्ट्रेचर ही पर ले गए थे क्या, झोली बना लेते हैं उसमें बिठाल करके दो महाराज पकड़ के नीचे ले गए उनके लिए। तो ले जा रहे थे तो सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने कहा कि क्या आचार्य महाराज आहार से लौट आए। हम लोगों ने इशारा पर्याप्त होता है, उस समय बहुत सजग रहना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं, क्या इच्छा है उनकी। आचार्य महाराज आहार से आ गए, इसके मायने हैं कि वो उनके दर्शन करना चाहते हैं। तुरंत मैसेज पहुंच गया आचार्य महाराज के पास और हम लोग धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गए। इतनी ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, हम लोग आधी सीढ़ियाँ उतरे होंगे और आचार्य महाराज सीढ़ी के पास आ गए ऊपर, और पूरी सीढ़ियाँ उतरने पर फिर उन्होंने कहा कि क्या आचार्य महाराज आ गए आहार से। हम लोगों ने तो पहले देख लिया कि खड़े हो गए आकर के, तो हम लोगों ने कहा देखो ना वर्णी जी वो तो आ गए आचार्य महाराज सीढ़ियों पर। तो नीचे सोचिएगा कि नीचे से उन्होंने दृष्टि ऊपर फैलाई, आचार्य महाराज के दर्शन किए, महाराज नमोस्तु नमोस्तु, और तीसरी बार तो नमोस्तु निकले ही नहीं और गर्दन, और हम लोगों ने नीचे रख दिया और संलेखना पूरी हो गई। बताइए इस तरह से इस तरह जो है और संलेखना की जाती है, कोई विकल्प नहीं, बड़ा उत्साह और बड़ी निर्मलता परिणामों की और सजगता, ये सब सद जाती है। दो छोटे छोटे और उदाहरण बताऊंगा। बदामी लाल जी जो वैराग सागर बन गए थे आहार जी के चतुर्मास में, वो मैंने गलती से कह दिया 80-81-85 की बात है, आहार जी के चतुर्मास, तब वहाँ पर उन्होंने 4 महीने लगभग साधना करी और उसके बाद अंत उनका समाधि पूर्वक हुआ। और एक दिन जब वो आहार के लिए गए तो होता है इस तरह की स्थिति, अभी तो आपको ऐसा लगता है कि क्या है महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं, झट से खड़े हो गए, फटाफट जो हाथ में लिया, प्रैक्टिस हो गई है बढ़िया से, और क्या क्या थाली वाली की थाली से भी बढ़िया खा लेते हैं वो तो अपने आराम से, ऐसा लगता है। लेकिन जब अस्वस्थता होती है तब परीक्षा होती, फिर बाद में ये अंजलि जो पानी से भरी है फिर ऐसी जाती है और मुँह तक नहीं पहुँचती और मुँह से टकरा के पूरा पानी नीचे गिर जाता, एक बूंद नहीं जाता भीतर, ये ध्यान रखना। जब अस्वस्थता हो जाती है या कि हाथ और शिथिल हो जाते हैं जब अंत समय पर, ये परीक्षा है उससे, और इसी में लेना पड़ेगा, अब कुछ नहीं मिलने वाला, और आकुलता छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जा नहीं रहा भीतर, और आकुलता बहुत होती कि पी लूँ, तब है परीक्षा के क्षण। तब उनके साथ हुआ, अंजलि में एक बार पानी दिया पूरा नीचे गिर गया, उनके होंठ खुले रह गए, जिब्बा बाहर निकल आई कि पी लेता, थोड़ा दूर से गिरा है पानी, एक तरफ दिख रही है उनके अंदर पीने की इच्छा, और वो आचार्य महाराज देख रहे हैं, निर्यापक आचार्य का काम है। कहते तो ये हैं भगवती आराधना पढ़ेंगे कि 56 प्रकार के सारे भोजन छपक के सामने लाकर रखे जाते हैं कि किसी चीज़ के खाने की इच्छा तो नहीं रहेगी, अगर इच्छा रह गई हो तो पहले पूरी कर लो, नहीं तो इच्छा साथ में लेकर के जाओगे तो जीवन बिगड़ जाए। हाँ, इतनी सावधानी। आचार्य श्री ने मालूम क्या कहा, हम लोग खड़े हैं सब, देखिए अब क्या होता है, पीते नहीं बन रहा पानी, या तो ये छोड़ देंगे और या फिर आचार्य महाराज कुछ उपदेश देंगे। आचार्य महाराज ने उपदेश कुछ नहीं दिया,
सुनो, हम लोगों से कहा, सुनो सुनो, ग्लास में दो, ग्लास में पानी दो। ग्लास में पानी, हम लोग समझ गए कि परीक्षा है चपक की अब। और महाराज को धीरे से कहा, महाराज अंगीली में पानी नहीं लिया जा रहा, ग्लास में दे दें, ग्लास में ले लो। अब बहुत कठिन है काम, आशक्ति अगर होगी तो बहुत कठिन है। लेकिन उनके अंदर भी आशक्ति नहीं थी, सिर हिला दिया, इनकार कर दिया। और इतने ही नहीं, हाथ से थोड़ा साधे हुए थे तो दोनों जन को हाथ से दबा कर कहा कि बिठा लो, और बैठ गए। आहार तो लिया नहीं गया। अब जब शरीर ही आहार ग्रहण नहीं कर रहा तो मैं आहार ग्रहण करने का विकल्प क्यों करूं? और बस कुल्ला करके, कायस सर करके, वहीं आचार्य महाराज खड़े हैं, उनके चरणों में जीवन पर्यंत अन्न जल का त्याग। 3 दिन तक रहे थे उसके बाद, और शांतिपूर्वक उनका भी मरण। और एक और घटना, राजा राम ब्रह्मचारी 10वीं प्रतिमा दिए थे सन 81 या 82 नैना थे, वो संलेखना भी मैंने दी। उन दिनों में 4 संलेखना एक साथ थी, लेकिन उसमें से एक सुना, बाकी सब एकदम सामने आ जाती हैं। एक उधर संलेखना चल रही, एक साथ 4 लोगों की संलेखना, जिसमें एक राजा राम जी बनते हैं। जीवन भर की तो साधना थी, लेकिन आखिरी समय बहुत पुण्य चाहिए। मैं आपसे ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। आज अपना संलेखना का लगभग काम मेरे ख्याल से मैंने पूरा कर दिया। 48 मुनि महाराज जी के बारे में जरूर आपको बताना था, फिर वो घटना सुना के पूरा कर दूंगा, वो और बता दूँ। 48 मुनि महाराज की क्या ज़रूरत है सेवा के लिए, एक एक शबक के लिए? तो कहते हैं 4 मुनि महाराज तो सिर्फ उनको सहारा देने के लिए हमेशा उनके पास विद्यमान रहे। फिर उसके बाद 4 मुनि महाराज उनके पास धर्मोपदेश के लिए, क्योंकि 4 एक साथ तो नहीं देंगे, एक एक देंगे, लेकिन पूरे 24 घंटे देना है। हाँ, उस समय पर और जो मुनि महाराज रहते हैं उनको सिर्फ आहार के लिए जाना भर अनिवार्य है, और बाकी सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, बाकी सब चीज़ें कोई अनिवार्य नहीं होती। हम लोगों की एक एक घंटे की रात में भी ड्यूटी लगती थी, ठीक 12 से 1 बजे तक मुझे जाना है, तो 12 बजे ठीक उठ करके 1 बजे तक वहाँ अटेंड करेंगे, बोल भी सकते हैं रात्रि में छपक से, और किसी से नहीं। हाँ, ये सारी चीज़ें इसलिए धर्मोपदेश के लिए फ्री 4 मुनि महाराज 24 घंटे जब वे चाहेंगे तब प्रेम पूर्वक उनको धर्म की बात सुनाने के लिए। 4 मुनि महाराज आहार की जो स्थूल चीज़ें हैं, और 4 मुनि महाराज पेय पदार्थ, इनके लिए बताइए। आहार की प्रक्रिया देखने के लिए 4 तो स्थूल पदार्थ, 4 जो है पेय पदार्थ, और 4 उन सब का शोधन करने 12 मुनि महाराज चाहिए उनके आहार की प्रक्रिया के लिए। और कोई खुशामी नहीं होने देंगे, वे ही करेंगे सारी क्रिया। उसके बाद 4 मुनि महाराज उनके मल मूत्र इत्यादि की शुद्धि करने के लिए, 4 मुनि महाराज जहाँ उनको वसदी में रुकाया गया है उसकी सुरक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में खड़े रहेंगे, कोई डिस्टर्बेंसेज ना हो। 4 मुनि महाराज धर्म सभा के लिए चारों दिशाओं में बैठे रहेंगे, जो लोग छपक के दर्शन करने आएंगे उनको वहीं से चारों दिशाओं में संबोधन करेंगे। और इतनी नहीं, उन 4 धर्म सभा में बैठे मुनि महाराजों की रक्षा के लिए 4 मुनि महाराज, कि कोई आकर के उन पर आक्रमण ना करे। ऐसी स्थितियां पहले निर्मित हो जाती थी। और 4 मुनि महाराज रात्रि जागरण करके पूरा पहरा देंगे, इसके लिए तय रहते थे। और 4 मुनि महाराज के सामने पेपर फैले हुए हैं जिनमें सारे देश विदेश में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इस संलेखना की, क्या घटित हो रहा है सब में, उसके लिए देश विदेश की खबरें रखने के लिए। और 4 मुनि महाराज तैयार बैठे हैं कि अगर कोई वाद विवाद करने आ जावे, शास्त्रार्थ करने, कि ऐसे कैसे आप ये करवा रहे हैं, तो उनके समाधान के लिए बता रहे हैं। इतनी पूरी आचार्य भगवंतों ने एक व्यक्ति के मरण के लिए इतनी तैयारी, तब जाकर के जो है और जीवन सार्थक होता है। इसको पढ़ करके, कभी पढ़ेंगे, और हमने तो संक्षेप में बता दिया, पढ़ेंगे तो लगेगा कि एक बिल्कुल कहना चाहिए वर्कशॉप जैसे। सोचिए, जैसे जीवन भर के लिए अपन कुछ तैयारी करते हैं, ऐसे ही एक शपक के लिए 48 लोग इतने अलर्ट हैं, और वो अपना आत्म कल्याण करने में लगा हुआ है, उसके लिए इतना हेल्प कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो छोड़ दो, पहले जीवित तीर्थ जो संलेखना ले रहा है उसके दर्शन कर लो, तीर्थ यात्रा का पूरा लाभ मिल जाए।
ऐसा लिखा, इसलिए ये संलेखना छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस संलेखना में कैसे कैसे परिणाम हो जाते हैं वो और हम उदाहरण से आपको बता दें। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा समय दे लिया, 9:25 की जगह पर 37 हो गया लगभग, 2 मिनट और लगेंगे उसमें। तो कैसेट वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, उनकी ख़त्म हो गई होगी नहीं, सबका फिक्स रहता टाइम। तो क्या हुआ कि आखिरी समय और उनको थाली में भूल से वो सेव फल नहीं लेते थे, उन्होंने फलों का त्याग कर दिया था, लेकिन दूर कहीं पर सेव फल रखे दिख गए उनको, भोजन के लिए ले गए थे उनको। 10वीं प्रतिमाधारी थे हम लोग, 2-3 लोग साथ में थे, बहुत अलर्ट रहना पड़ता, छपक क्या चाहता है। बार बार उनकी दृष्टि सेव फल पर जा रही थी, तो हम लोगों ने मार्क कर लिया कि इनकी इच्छा तो है, भले इन्होंने त्याग किया है, परीक्षा हो रही है आखिरी समय। सीधे जाकर के आचार्य श्री से निवेदन कर दिया कि छपक की इच्छा तो दिखती है कि सेव फल खाना है और त्याग तो किया है आपसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल आहार में उनको सेव फल दे देना, मेरा बोल देना कि महाराज ने कह दिया है। हम लोगों ने कहा ठीक। दूसरे दिन आहार की प्रक्रिया में उनने अपनी थाली में सेव फल रखे देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो सेव फल का त्याग किया, थाली में क्यों आज रखे गए हैं, क्यों रखे गए हैं, मेरे मन की बात क्या हम लोगों ने जान ली है क्या। और फौरन जो है वो उठाने लगे कि नहीं नहीं ये, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आचार्य महाराज ने स्वीकृति दे दी है कि आपको अगर और कोई चीज़ नहीं रुचिकर लगती है और ये अच्छी लगती है तो आप ले लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपने त्यागा था उसका प्रायश्चित दे देंगे बाद में। इच्छा तो थी और जब ऐसा कहा तो ले लिया एक टुकड़ा, देखना एक टुकड़ा हाथ में लिया है। अब लेकिन शरीर तो शरीर है, वो तो पानी भी ग्रहण नहीं कर रहा और आप चाह रहे हैं कि सेव फल, खाया ना खाया बराबर, थोड़ा सा मुंह में गया, थोड़ा नीचे गिर गया, मुंह में से भी आधा धोधा नीचे टपक गया और खाया नहीं गया, ऐसी स्थिति। अब मन में अत्यंत ग्लानि कि एक तो मैंने छोड़ दिया, खाने की इच्छा करी और खा भी नहीं पाई, धिक्कार। ऐसा मन में भाव आया, फौरन वहां से कुल्ला करके आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचे कि अभी तक तो मैंने सिर्फ बाहर से त्याग किया था, अब मैं अंतरंग में भी खाने का त्याग करता हूं कि अब नहीं खाऊंगा जीवन पर्यंत। भैया इस तरह की स्थिति भी निर्मित हो जावे कि जो चीजें त्यागी हैं उनके भी खाने की इच्छा हो जावे, तो आसपास के लोगों का कर्तव्य है कि वे उस चीज से उसे विरक्त करें। इतनी सावधानी, दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनना बहुत कठिन काम है, पर स्वयं की भी तैयारी करनी चाहिए और कोई अगर इस तरह की तैयारी कर रहा है तो उसमें मदद भी करनी चाहिए, तब जाकर एक दूसरे के सहयोग से और ये इतना बड़ा काम हो पाता है। अपने आत्म कल्याण का ये काम बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा मान करके, और अपन भावना तो इसकी भाते रहें इसी भावना के साथ कि हमने जीवन अच्छा जिया है तो जीवन